सो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी 10:06 हो रहे हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है अराउंड 4 डिग्री है। तो हम थोड़ा लेट इसलिए हुए क्योंकि हम लोग विलेज में घूमने गए थे, बट नाउ वी आर रेडी फॉर द बिग एडवेंचर और सारे लोग रेडी हो चुके हैं, तो लेट्स गो। यो तुम्हें जाना है, ठीक है? अब मैं तो बता रहा हूँ बैग कैसे टाइट करना। हमारा गाइड का है तो गाइस, हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये पीछे देख रहे हो, यहाँ से हम हमारी एंट्री हो चुकी है, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। सो मैं भी काफी टाइम बाद थोड़ा मतलब इस टाइप का लंबा ट्रैक कर रहे हैं, मल्टीपल डेज का है। तो ये बिगनर्स ट्रैक बट फिर भी तो इस ट्रैक में जो हमारा गाइड रहेगा साथ में वो है धन सिंह रावत। ये भी अपना गढ़वाली भाई है, तो इसने काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी एक्सपर्ट है इन माउंटेन्स का। तो नेक्स्ट 2 दिन ये अपने साथ रहेगा, हमें गाइड भी करेगा। तहरा बुग्याल का ही यहीं का लोकल है, इसने काफ़ी सारी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है और कुकिंग भी बहुत अच्छी करता है। ये हमें खिलाएगा कुछ कुछ करेगा। हम लोग 1 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक लिया हमने। तो जिसको गर्मी लग रही हो अपने क्लोथ्स उतार रहा है, कुछ लोग हम जो है रेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, अभी आप दिखाऊं मैं आपको। थोड़ा डे लाइट हो गई, इतने अच्छे शॉर्ट व्यू नहीं आ रहे, बट फिर भी देखो वो वहाँ से ट्रैक किया था हमने शुरू। अब पूरा हम यहाँ से ट्रैक करते हुए पूरा जंगल से होते हुए आए। पीक अभी भी हमारे साथ है, आप पीछे देखो अभी डे लाइट है इसलिए दिख नहीं रही। शायद मैं कोशिश करूँ आपको, आप दिखने लग गई होंगी पीक्स, इफ यू कैन सी। वो देखो पीक्स, आपको ये पीक्स दिख रही है। तो ये ऐसा पीक्स है मेरा व्यू जो है थ्रू आउट द ट्रैक हमारे साथ है और मज़ेदार ट्रैक है, इजी है। थोड़ा इन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बट अच्छे चल रहे हैं अभी क्योंकि बाकी टीम जो है सारी अदर कंपनीज की सारी अभी नीचे ही हैं। हम उनसे बाद में स्टार्ट किया था और उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो अपने घोड़े सही चल रहे हैं, तगड़े हैं अपने घोड़े सारे। ये रहे अपने 3 घोड़े, तगड़े चल रहे एकदम। चले गए अब धन सिंह और मैं ना इनको सरप्राइज देंगे, हम शॉर्टकट ले रहे हैं। ये रहा सीधा शॉर्टकट यहाँ से और वो ये लोग जो ट्रेल जा रही हो यहाँ से आगे जा रहे हैं, आप देख रहे हो। और हम दोनों ले रहे हैं धन सिंह और मैं ले रहे हैं शॉर्टकट। तो चलो आ जाओ। हम लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। अब जो है अभी हम टोटली फॉरेस्ट के अंडर है और काफ़ी नए फ्रेंड्स मिले मुझे, इंटरेस्टिंग।
काफ़ी एजेड पीपल भी हैं, अराउंड 55-50 के। अभी यहाँ से स्नो भी दिखना शुरू हो गई है, यू कैन सी बिहाइंड में कितनी स्नो है। सो ऐसे व्यू के साथ आप करते रहेंगे। ट्रैक ईजी है, पूरी ट्रेल वेल डिफाइंड है, आराम से। अब काफ़ी स्नो दिख रही है गाइस, यू कैन सी स्नो, देखो आप सारी स्नो है, ये स्नो दिखने लग गई है। और ऐसी स्नो ऊपर ही मिलेगी हमें, काफ़ी मेरी टीम काफ़ी ऊपर चली गई है। सो लेट्स कैच अप, उसके बाद और मज़े करेंगे। यू गाइस कैचअप, अपनी टीम कैचअप कर लिया और स्नो तो बढ़ता ही जा रहा है, स्लिपरी भी हो रहा है। तो कैसा मजा आ रहा गाइस? मजा आ रहा है ना? चलो फिर। तो गाइस अभी हम करीबन हमने 2.7 किलोमीटर कवर कर लिया और अब हम रेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। थोड़ा बहुत हमने बिस्किट वगैरह खाए हैं और वॉच वगैरह सब चार्ज कर रहे हैं ताकि हम पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। सारे रेडी हैं वैसे तो, दोबारा रेडी हो गए जाने के लिए। बहुत ही अच्छी ट्रेल है और बीच जंगल के बीचों बीच है। यहाँ से पीक भी दिख रहे हैं हमारे बिल्कुल फ्रंट में और ये पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ पर ओक फॉरेस्ट है, देखो सारे ओक के ट्रीज हैं। ये देखो ये ग्रास, इसमें ये जलाने के काम आती है, पूरी जो ग्रास है ना जब ये सूख जाती है तो ये जलाने के काम आती है। और ये जो पेड़ है ये भी लकड़ी का काफ़ी काम रहता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे घर की सामान बनाया जाता है, घर बनाने में यूज़ होती है। और इसके जो लीव्स हैं ये आप नीचे देख रहे हो ना, तो ये सारी ये लीव्स इकट्ठा करके जानवरों के नीचे बिछाई जाती हैं विंटर्स में ताकि वॉर्म रहे। और जलाने के भी काम आती हैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ। आप यहाँ देखो हमारे पीछे, देखो ये सारी लकड़ियाँ हैं इधर, जलाने का काम आती है। अभी यहाँ पर पूरा ट्रीज के बीच से सनलाइट आ रही है और इस तरफ इफ यू कैन स्पॉट, यहाँ पर पीछे बीचों बीच पीक्स दिख रही हैं जो हमें नीचे से भी दिख रही थी। यहाँ से गुई रह गया है अराउंड 1 आवर। तो उसके बाद और भी ब्यूटीफुल व्यूज मिलेंगे हमें और अच्छी पीक्स दिखेंगे वहाँ से। कौन कौन सी पीक है? चौखंबा वगैरह दिखती है, चौखंबा बहुत क्लियर दिखती है और दारा बुग्याल से और भी अच्छी दिखती है। और स्नो भी हमें अभी, आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया, स्नो भी गिरी हुई थी। तो अभी आगे और ज़्यादा स्नो मिलेगी और मज़े आएंगे और रिग्रेस होगा। देखो कोई जानवर है, जानवर है कोई। गाइस हम लोग गुई के पास पहुंच गए, यहाँ पे तो काफी स्नो गिरा हुआ है, मतलब इतना भी नहीं है बट है काफी, मोर देन इनफ। और बहुत ब्यूटीफुल व्यूज हो गए, यू कैन सी। थोड़ा सा रह गया गुई, ऑलमोस्ट आ गए, हम अपनी कैंप साइट पे जा रहे हैं। तो फीलिंग मच बेटर, कम ही टाइम लगा, इजी ट्रक है और क्योंकि ये अराउंड 3.5 किलोमीटर है रायथल से गुई, इजी ट्रेल है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और पूरा डिफाइंड ट्रेल है। अभी तो यहाँ से स्नो गिरा रहे हो, अमेजिंग। तो मेरी टीम ये ऑलरेडी आगे जा रही है, आई विल शो यू। We'll be right back.
गाइस, फाइनली आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 3 to 4 hours हम लोग अपनी कुई की कैंप साइट पे पहुंचने वाले हैं। और हमें अपना टेंट दिख रहा है, किचन टेंट। अच्छी बहुत ब्राइट लाइट है। हमारी कैंप साइट आ गई है। ओह, दिस इज आवर कैंप साइट। ओहो, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे अलग अलग बैचेस हैं, फैंसी अलग अलग है। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए गुई में और हमने कैंप साइट भी डिसाइड कर ली है। वो जो पीछे दिख रहा है आपको, वो हमारा टॉयलेट टेंट है। और यहाँ पे एक टेंट यहाँ पिच करेंगे और एक टेंट यहाँ पर पिच करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। बाकी लोगों के टेंट्स आप लोग देख सकते हो, सबके नीचे है। बट वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है और व्यू भी है, अच्छा व्यू वहाँ से भी है, बट यहाँ से बहुत बेटर व्यू है और एकदम थोड़ा सिक्लूडेड है, तो मज़ा आएगा। क्योंकि ज़्यादा आस पास टेंट रहते हैं तो प्राइवेसी भी कम हो जाती है और आवाज़ कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है गुई का। यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल day as well, sunny, blue sky, it's all sunny today. Look at our boys track kaisa tha? Badhiya, ekdam number maras, ek number. Inka to pehle hi track tha, inhe bahut maza aa raha hai, abhi aur maza aayega. To ab hum apne tent pitch karte hain and you guys also enjoy these beautiful views of Himalayas with us. सो गाइस, फाइनली वी हैव पिच्ड आवर टेंट्स और ये देख सकते हो आप, एक टेंट ये रहा अपना। अभी हमने स्लीपिंग बैग्स जो है वो थोड़ा सुखाने को डाले, थोड़ा गीले हो जाते हैं स्नो में टच हो गए। वो पीछे टॉयलेट टेंट है, तो एक टेंट ये है हमारा और अभी हम अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा। और एक टेंट ये है हमारा, तो दूसरा है। अभी हमने सामान नहीं रखा, अब हम लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद हम पूरा सामान सेटअप करेंगे। और ये देखो, ये ऑलरेडी टेंट के अंदर बैठे हुए बैठ गए। और इनके टेंट से तो बहुत अच्छा व्यू है क्योंकि बालकनी खोलते ही ये व्यू आ रहा है, ठीक है। सो अभी मैं अंदर भी दिखाऊंगा, एक बार हम जब पूरा सामान सेटअप कर देंगे दोनों टेंट्स में, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी लंच कर रहे हैं, सो अभी चलो लंच करते हैं, फिर इन्जॉय करते हैं, फिर आपके साथ दोबारा बैठते हैं। गाइज, अब हम कर रहे हैं लंच और लंच में है गर्मा गर्म दाल राइस और ये व्यू जो कि पूरा दिन हमारे साथ रहने वाला है। तो ये छोटी सी यहाँ पर गुई में ये हट है, इसके अंदर यहाँ पर खाना बन रहा है। तो यहाँ से हमें यार फूड बना हुआ आ रहा है, पूरा ज़बरदस्त व्यू। लुक एट दिस, सबके सब खा रहे हैं। नहीं, ये भी चाहिए।